एक्साइटमेंट है क्योंकि चिंटू जी की पे ये जो है अब हमारे इस बीच में नहीं है, तो उसका ही किरदार जो है निभाया है परेश रावल जी ने, एंड आपके लिए पहली फिल्म है, सो कितना एक्साइटमेंट मोमेंट है ये आपके लिए? सी काफ़ी एक्साइटिंग है, नर्वसनेस भी है, लेकिन हमें लगता है कि एक अच्छी फिल्म हमने बनाई है जिसमें कि ऋषि जी और परेश जी दोनों ने अच्छी भूमिका निभाई है, और हमें पूरी उम्मीद है कि जब पूरी दुनिया देखेगी तो उनको वो प्रॉब्लम नहीं होगी कि दो लोगों ने एक ही कैरेक्टर को प्ले किया है, और सब लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे। सो सॉरी सी रेड अगेन, ऐसी कोई याद दिलाने वाली है आज, कौन सी ऐसी चीज है जो उनकी सबसे ज्यादा याद दिलाने वो सबसे ज्यादा उन्हें चीज ये कि अगर वो यहाँ होते अभी तो मुझे डांटते क्या कर रहा है यार, छोड़ना आगे बढ़, एक और इंटरव्यू यहाँ खड़ा रहता, चलो चलो जल्दी कर। तो आई थिंक वो जितना प्यार से डांटते थे हर समय हर बात पे, छोटी बात बड़ी बात, बट बहुत ज्यादा प्यार करते थे, तो मुझे लगता है वो सबसे ज्यादा मैं मिस करता हूँ, उनकी प्यार वाली डांट। थैंक यू सो मच। Hi. तो ये फिल्म तो मिरेकल से कम नहीं है मेरे ख्याल से, ऐसा एक्सपीरियंस आई थिंक कभी भी किसी का भी जो भी फिल्म से जुड़े हैं कभी नहीं हुआ होगा, किसी भी फिल्म के दौरान इतने बड़े बड़े हादसे होना, तो उस वजह से आई थिंक ये फिल्म हैज़ कैरीज अनदर वेट अनदर मीनिंग। इट्स मतलब हर हम फिल्म के लिए अपने काम के लिए कहते हैं कि स्पेशल होता है, पर ये काम कुछ अलग ही है क्योंकि ये इतनी मुशक्कत से हुआ है और इतने प्यार से ऑन टॉप ऑफ दैट दैट आई थिंक इट्स अ रियली स्पेशल वे। व्हाट्स दैट वन थिंग जो आप अपने इस फिल्म के साथ अपने लिए अपने साथ लेकर जाने वाली इस फिल्म के बारे में? द फैक्ट दैट दिस फिल्म हैड टू कम टू लाइफ, बिकॉज लगता है जैसे कि एवरीथिंग वाज स्टॉपिंग इट, बट इट केम टू लाइफ एंड दैट्स अमेजिंग, एंड देन इट्स जस्ट सेज दैट हर फिल्म की अपनी एक लाइफ होती है यार, आप कुछ भी कर लो उसको आना है तो वो आएगी, यू नो, इट्स लाइक दैट वन मेमोरी व्हिच इज so many. I this is not the only film I've done with him. I worked with him over 3 other projects, I think, and so this is not the only time. So he's a very, we all know what he was. हम लोग दिल्ली में ही शूट कर रहे थे एक, और एक कुछ एक सीन है आप देखेंगे आज फिल्म में, वो कुछ एक फेस मास्क मैंने पहना हुआ है और वो आते हैं, आई थिंक एंड आई डोंट नो दैट मेमोरी जस्ट स्टेज वेरी क्लोजली बिकॉज ही आई डोंट नो ही वाज इट वाज जस्ट हिम एंड आई पर्टिकुलरली दैट डे एंड वी जस्ट स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर एंड या ही इज वेरी प्रेशियस एंड सिंस यू सेड दैट यू नो दिस इज नॉट द ओनली प्रोजेक्ट वी हैव या मतलब इस सवाल का क्या जवाब है यार, मतलब ऑब्वियसली व्हाई जस्ट नॉट जस्ट प्रोजेक्ट्स बट लाइफ विद हिम ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में
शर्मा जी नमकीन इज़ ए वेरी वेरी स्पेशल फिल्म, बहुत ख़ास फिल्म है, बिकॉज हमारे चहेते एवर रोमांटिक हीरो ऋषि कपूर जी की लास्ट फिल्म है। ऋषि कपूर जी का प्यार हमेशा हमारे साथ रहा है और इस फिल्म में उनके साथ जितना वक्त बिताया, काम किया इकट्ठे, बड़ा मज़ा आया। ऋषि जी का प्रेम हमेशा हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त रहा है। मैंने तो उनकी फिल्म आप लौट चले में भी काम किया था, तो कितने सद्भाव वाले, कितने प्रेम वाले व्यक्ति थे, सेंस ऑफ ह्यूमर था, सिनेमा का पैशन था, सिनेमा की बात करते थे, एक्टिंग की बात करते थे। और ये फिल्म जो है उनकी एक यादगार फिल्म है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऋषि जी की लास्ट फिल्म होने के साथ साथ ये एक अनोखी फिल्म भी है। अनोखी फिल्म इसलिए है क्योंकि पहली बार आपको एक ही किरदार के अंदर दो एक्टर दिखाई देंगे, और ये परेश रावल जी का बहुत बड़ा एक उनके लिए जेस्चर है कि उसी रोल को उन्होंने निभाया, तो एक किरदार के अंदर दो कैरेक्टर दिखाई देंगे। मैं तो परेश जी के साथ जब शूटिंग कर रहा था, मुझे ऐसा लगता था कि ऋषि कपूर जी, चिंटू जी बैठे हुए हैं सामने, यू नो। तो उन्होंने भी उस किरदार को एकदम सही तरह से निभाया। फिल्म बहुत अच्छी है, बड़े अच्छे सब्जेक्ट के ऊपर है, यू नो। अपना हनी त्रेहन और अभिषेक चौबे और एक्सेल एंटरटेनमेंट रितेश और फरहान अख्तर ने बनाई है, तो फिल्म तो डेफिनेटली कंटेंट वाइज बहुत अच्छी होगी। और हमने काम किया है और चड्डा का रोल किया है और ऋषि कपूर जी के दोस्त का रोल किया है, तो ये फिल्म एक स्पेशल फिल्म है सबकी, सबके लिए। मैं चाहता हूँ कि सारे लोग जो हैं ऋषि कपूर जी को ट्रिब्यूट देने के लिए, ऋषि कपूर जी के प्रेम के लिए इस फिल्म को ज़रूर देखें। और ये फिल्म आपको गुदगुदाएगी, हंसाएगी और रुलाएगी और आपको याद कराएगी ऋषि कपूर जी। तकरीबन तो ऐसा लगता है जब इस तरह का हादसा जब होता है कि मतलब जो आदमी काम कर रहा था वही इस दुनिया से चला गया, हमारे लिए तो बड़ी दुख की बात थी। और ऐसा लगता है कि शायद पता नहीं पिक्चर कैसे कंप्लीट होगी असल में, या दोबारा से बनेगी, क्योंकि स्क्रिप्ट तो बहुत अच्छी थी। लेकिन ये जो एक अनोखा एंगल फरहान और रितेश ने और अपना हनी त्रेहन और अभिषेक ने लिया कि दूसरे एक्टर को उसी रोल में लाया गया, ये एक बहुत नई बात होगी। डर तो रहता ही है कि क्या होगा उस पिक्चर का जिसका मेन कैरेक्टर चला गया, बट आई थिंक जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद उनका आशीर्वाद, उनका उनका प्रेम इस पिक्चर के लिए था कि आज ये कंप्लीट हुई है और अच्छी बनी है और लोगों तक पहुँचे। ऑफकोर्स तकरीबन बात होती थी जब भी हम बात करते थे, क्योंकि परेश और मैंने दोनों ने ऋषि कपूर जी की पिक्चर में काम किया है आप लौट चले, तो उनकी याद वैसे आती थी, दोस्त अलग थे, सोशली मिलते रहते थे कितनी बार। ऑफकोर्स कोई ऐसा वक्त नहीं गया होगा जब ऋषि कपूर जी की याद नहीं आओगी जब परेश रावल के साथ शूट कर रहे थे। मैम लेफ्ट में, लेफ्ट में मैम, यहाँ पे देखिए।